दुर्ग पुलिस व छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन भिलाई दुर्ग द्वारा सेक्टर 4 SNG सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में पीड़ित को किस तरह से बचाया जाए यह बताना था। दुर्ग पुलिस व छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन भिलाई दुर्ग द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रथम सहायक को बेसिक लाइफ से बचाने की जानकारी दी गई। इस एक दिवसीय कार्यशाला में दुर्घटना के वक्त ड्राइवर, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, छात्रों, जवानों को मुख्य रूप से प्रथम उपचार कैसे दिया जाए और इसके तौर तरीके क्या होते हैं, इसकी जानकारी ट्रेनिंग कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि दुर्घटना के बाद प्रथम उपचार देने के लिए प्रमुख रूप से उपस्थित पुलिस के लिए घटना दुर्घटना में शुरुआती कुछ मिनट ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम का काम घटना स्थल पर महत्वपूर्ण होता है और यदि उन्होंने कुछ प्राथमिक उपचार और तौर तरीके इस्तेमाल कर लिया तो विक्टिम को कम से कम अस्पताल तक पहुंचाने का वक्त मिल जाता है जिससे इसकी जान बचाई जा सकती है। जो अपना बोन एंड ज्वाइंट वीक बना रहा है उनके द्वारा जिला पुलिस होमगार्ड के लोगों को फर्स्ट एड CPR की ट्रेनिंग के लिए आज एक कार्यशाला की गई। रोड एक्सीडेंट में फर्स्ट रिस्पॉन्डर किस तरह से कार्य करें जिससे कि जान बचाई जा सके, कैसे उनको टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, तो 112 में जो एम्बुलेंस है, जो पुलिस जवान हैं, होमगार्ड के हैं, उन सभी को आज ट्रेनिंग किया गया। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के जिला अस्पताल से डॉक्टर, BSP के डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने प्रशिक्षण दिया, डिटेल प्रशिक्षण दिया। जो BSP के जो जनरल मैनेजर सिक्योरिटी हैं उनके द्वारा जो है प्लांट में, इंडस्ट्रीज में आग से कैसे बचा जाए उसकी क्लास ली गई। सभी वक्ताओं के इस जो क्लासेस हुई है इसका निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा मिलेगा और आने वाले समय में काफ़ी बहुमूल्य जानें बचाई जा सके। क्या फोकस किया गया? फोकस इसमें फर्स्ट एड CPR के ऊपर किया गया, फर्स्ट रेस्पॉन्स पे किया गया, कितनी जल्दी रेस्पॉन्स किया जाए, कैसे हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, कैसे जानें बचाई जाए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। हर साल बोन एंड ज्वाइंट वीक मनाया जाता है, 1 से 7 अगस्त इस साल मनाया जा रहा है। उसके तारतम्य में 4 तारीख को बोन एंड ज्वाइंट डे रहता है जिस दिन पूरे देश में एक साथ हजारों की संख्या में पुलिस पर्सनल एक से एक ही दिन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका एक पार्ट यहाँ कल होना था, आज हुआ है और इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम, फर्स्ट एड, फ्रंट लाइन वर्कर जो पुलिस वाले हैं, 110 रॉयल वाले, 108 वाले, इनको दिया जा रहा है, स्कूल के बच्चों को दिया जा रहा है और आमजन अगर इच्छुक है उनको भी दिया जा रहा है ट्रेनिंग। दुर्ग पुलिस व छत्तीसगढ़ ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन दुर्ग भिलाई द्वारा आयोजित की गई इस कार्यशाला में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई। इन जानकारियों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाने तक उसे काफ़ी हद तक ठीक रख सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।